डिफिनेशन के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। साइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ साइक्लिक कंपाउंड का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम आपको साइक्लिक कंपाउंड का वर्गीकरण करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं उस पर बात करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के जो वर्गीकरण दिया गया है उसके एग्जाम्पल को जानेंगे। इसी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और इन सारे चीजों को आप अपने पेज पर नोट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये हुआ साइक्लिक कंपाउंड का वर्गीकरण, उसे किन किन वर्गों में बांटा गया है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। बिल्कुल लड्डू वाला बात है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। पिछले वीडियो में हमने आपको यह चीज बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड उसे कहा जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड उसे कहेंगे जिसमें परमाणुओं का रिंग होता है, एटम्स का रिंग होता है, उसे हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। हमने बेंजीन को देखा है, नेफ्थलीन को देखा है, साइक्लोहेक्सेन पर बात किया था, ये सभी के सभी साइक्लिक कंपाउंड है। उसी के रिस्पेक्ट में आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखिए ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। साइक्लिक कंपाउंड को अगर क्लासिफाई किया जाए तो यह दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अलावा अगर दूसरा देखा जाए तो सावधान रहेंगे, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर इसको हिंदी में अगर पूछा जाए तो साइक्लिक कंपाउंड के दो वर्गीकरण है, जिसमें होमोसाइक्लिक को हिंदी में कहते हैं समचक्रीय यौगिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं विषमचक्रीय यौगिक। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, आप इसे याद रखेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब ये हुआ समचक्रीय यौगिक जिनके चक्र में, जिनके रिंग में, जिनके वलय में चारों तरफ के परमाणु बिल्कुल एक जैसा अगर दिखता है, अगल बगल के इर्द गिर्द के चारों बगल के अगर परमाणु अगर रिंग बनाए हो, अगर उसमें परमाणु एक जैसा हो तो उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि रिंग में अलग अलग तरह के परमाणु होना चाहिए। मैं सीधे यह बात कहना चाहता हूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि उसमें रिंग जो बनेगा उसमें अलग अलग तरह के परमाणु होंगे उसके रिंग के अंदर। अगर रिंग में अलग अलग तरह के परमाणु दिखते हैं तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हैं कि वह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो चलिए अब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम हेडिंग के तौर पर लिख सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करने लगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनेशन करता है, ध्यान से सुनेंगे और अपने पेज पर इसे नोट कर लेंगे, बोल सकते या समचक्रीय यौगिक कहेंगे। फिर से, वैसे चक्रीय यौगिक या वैसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके रिंग में, जिनके वलय में एक ही तरह के परमाणु भाग लेते हैं तो उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल होता है बेंजीन। अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन का बड़ा फेमस नाम हमने लिखा हुआ है बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला जो होता है
C6H6 होता है। अगर उसके स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का ये बेंजीन बनता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर यहाँ सिंगल फिर डबल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके प्रत्येक कोने पर कार्बन है और ये कार्बन बिल्कुल एक जैसा होता है, इसीलिए इसको हम समचक्रीय यौगिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम नफ्थलीन की बात करने लगे, हम नफ्थलीन, तो नफ्थलीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H8। अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप करें, स्ट्रक्चर को अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ये जो है हमारा नेफ्थिलीन है। इस नेफ्थिलीन में हम देखते हैं कि जहां जहां कोना दिख रहा है, यहाँ पे कोना है, ये वाला कोना, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर पर जो होता है यहाँ पर कार्बन परमाणु होता है और ये कार्बन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसे हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। सावधान रहेंगे, अगर इसी तरह से अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12। अगर स्ट्रक्चर को हम जनरलाइज करें तो कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, सिंगल फिर सिंगल फिर सिंगल, सब जगह पर सिंगल बॉन्ड कार्बन ज्वाइंट हो जाता है और बाकी दो दो कार्बन, बाकी दो दो हाइड्रोजन को कार्बन से ज्वाइंट कर दिया जाता है। यहाँ पे प्रत्येक कार्बन दो दो हाइड्रोजन को जोड़ लेता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे भी बनाते हैं तो कोई इसे काटने वाला पायदा नहीं हुआ है, ये भी अपने जगह पर सही है, ये भी अपने जगह पर 100% करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि इसके कोने पर कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, तो इसके प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया हुआ है, और इसके प्रत्येक कोने पर दो दो हाइड्रोजन बाइंडिंग किया गया है, तो इसका भी मतलब ये है कि इसके प्रत्येक कोने पर दो दो हाइड्रोजन कार्बन से ज्वाइंट हुआ है। तो याद रखेंगे, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में केवल एक ही तरह के परमाणु होते हैं उसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर यहाँ पर बेंजीन लिखा हुआ है, नेफ्थलीन लिखा हुआ है और इसके साथ साथ साइक्लोहेक्सेन लिखा गया है। ये सभी के सभी होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं और होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अलावा इसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया है कि अगर हम बेंजीन की बात करने लगे तो बेंजीन क्या है, कार्बोसाइक्लिक, ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। याद रखेंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, चाहे वो बेंजीन की बात करें, नेफ्थलीन की बात करें और साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, सभी के सभी धाकाधक जो होगा वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड इसलिए होगा क्योंकि रिंग में केवल कार्बन की परमाणु दिख रही है। कभी भी कार्बन परमाणु अगर रिंग में भाग लेता है तो उसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन के प्रत्येक कोने पर कार्बन है, इसलिए इसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। नेफ्थलीन में भी प्रत्येक कॉर्नर पर कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिखने की वजह से इसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो ये रहा आज का होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम शुरू करने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। तो बिना देर किए हुए आप आई ओपन कर लीजिए, माइंड ओपन कर लीजिए और यहाँ पे फोकस कीजिए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। आज हम ये क्लियर कर देंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं बिना रुकावट के। द मीन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अगर हिंदी अगर पूछी जाए तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को इन जनरली अगर पूछा जाए तो इसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं।
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का डिफिनेशन क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। आप अपने नोटपैड पर लिखेंगे, आप नोट कीजिए इसको। वैसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये इस तरह के परमाणु अगर जुड़ा हो तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। याद रखेंगे, वैसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन जुड़ा हो, रिमेंबर इट, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर जुड़ा हो, इस तरह के परमाणु अगर वहां पे जुड़ा रहेगा तो याद रखेंगे उस तरह के कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हुआ पिरिडीन, पाइरोल, थायोफीन, फ्यूरोन, ये सभी के सभी जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। तो आइए हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल लट्टू वाला बात है ये, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां सबसे पहला अगर हम पाइरिडीन की बात करें हम, तो पाइरिडीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H5N होता है। दिस इज द पाइरिडीन, ये हमारा पाइरिडीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे कार्बन, फिर यहां कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कार्बन पांच है, 1 2 3 4 5 एक नाइट्रोजन को ज्वाइन करेंगे। हमने देखा है बेंजीन के कंडीशन में कि बेंजीन में दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, यानी कि उसमें डबल होता है, सिंगल होता है, फिर डबल होता है। मींस बेंजीन रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का चक्कर चलता है। तो आप यहां भी देख सकते हैं, यहां पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहां सिंगल होगा, फिर यहां डबल कर देंगे, फिर यहां सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, यानी कि पिरिडीन जस्ट लाइक ए बेंजीन स्ट्रक्चर। पिरिडीन जो होता है बेंजीन के तरह होता है, और बाकी के यहाँ पे पांच हाइड्रोजन को प्रत्येक कार्बन के साथ धकाधक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये हमारा पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना है। आप देख सकते हैं कि इस पिरिडीन में कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन जुड़ा है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में याद रखेंगे मेरे दोस्त, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन का रिंग बनेगा उस रिंग में कहीं ना कहीं या तो वहां पे नाइट्रोजन होगा, या तो वहां पे ऑक्सीजन होगा, या तो सल्फर होगा। अगर इस तरह के एटम रिंग में अगर जुड़ा रहेगा तो ध्यान में रखेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, पिरिडीन के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि हियर कार्बन, हियर कार्बन, यहां भी कार्बन, 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 इसके रिंग में यहां तक कार्बन है, लेकिन नीचे वाले स्टेट में देखा जाए तो यहां नाइट्रोजन भी जुड़ा है। ये साइड वाले एटम से हमें कोई मतलब नहीं है, कार्बन के रिंग के साथ अगर उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जुड़ा रहेगा तो ध्यान में रखेंगे वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसके बाद पाइरोल। पाइरोल, पाइरोल का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4NH, दिस इज द पाइरोल। अगर पाइरोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो पाइरोल में कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 1 2 3 4 और एक नाइट्रोजन को यहां ज्वाइन करेंगे, यहां सिंगल, फिर यहां डबल, यहां सिंगल है, यहां डबल होगा, और यहां पे सिंगल, यहां भी सिंगल, बाकी के चार हाइड्रोजन है तो एक यहां, फिर एक यहां, इस तरीके का हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। और ये है वाला हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन से ज्वाइंट हो जाएगा। तो दिस इज द पाइरोल, ये पाइरोल है, इसके रिंग में, इसके चक्र में, इसके वलय में हम देख रहे हैं कि कार्बन के अलावा
नाइट्रोजन घुसा हुआ है इसे भी हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड है जिसके रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जुड़ा रहे। अब इसके बाद हम एक और देख लेते हैं थायोफीन। अगर थायोफीन की बात करने लगे हम तो थायोफीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4S। नाउ स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंटेड है सुन बिलो। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम क्लियर करें तो यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पे भी डबल, फिर यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल, इस तरीके का सिचुएशन होगा। और प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे, रिमेम्बर इट। एक बात आपको आज हम क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन, जब भी इस तरह का कार्बन है तो यहाँ पांच कार्बन है और पांच कार्बन को हम कुछ इस तरीके का सिचुएशन से दिखा सकते हैं। दिस वन कार्बन 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 कार्बन, ये भी कार्बन, यानी कि कार्बन को दिखाया नहीं जाएगा बल्कि कार्बन को दिखाने के लिए मुड़ा हुआ बेंड किया हुआ स्ट्रक्चर दिखाएंगे। बेंड किया हुआ स्ट्रक्चर जो होगा कार्बन को सूचित करेगा, यहां से बेंड हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ कार्बन है। तो जस्ट लाइक दिस कॉर्नर कार्बन 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 कार्बन, ये भी कार्बन होगा और इसको हम ऐसे ले आकर के ज्वाइन कर देंगे, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ये हमारा पाइरिडीन का अलग स्ट्रक्चर बना। इसी तरह इसमें चार कोना बना करके हम यहाँ पे नाइट्रोजन को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे ऐसे, और ये नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये वाला थायोफीन जो है, थायोफीन का हम स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर डबल, यहाँ भी डबल, फिर यहाँ डबल। तो ये हमारा पाइरोल का स्ट्रक्चर है ये वाला, और ये मेरा थायोफीन का है। अगर इसी तरह से फ्यूरोन को देखा जाए, फ्यूरोन, तो आप देख सकते हैं फ्यूरोन के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहला चीज है समझना फ्यूरोन। फ्यूरोन इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4O। यहां कार्बन की संख्या चार है तो इसी तरीके का होगा, और यहाँ पे वो कर देंगे, यहाँ डबल, फिर सामने भी डबल, यहाँ सिंगल, नीचे सिंगल, ये सिंगल, इस तरीके का होगा। बाकी के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। एक और स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके का होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ सी के साथ एच है, यहाँ भी सी के साथ एच है, यहाँ भी सी के साथ एच है, सी के साथ एच होता है लेकिन इस स्ट्रक्चर में दिखाया नहीं जाएगा, रिमेम्बर इट। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है लेकिन उसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है, समझा जाता है कि कार्बन के साथ वहां हाइड्रोजन जुड़ा है। तो आपने देखा कि इसके रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन कहीं जुड़ रहा है, कहीं पे सल्फर जुड़ रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसी कॉज के कारण इसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एक और चीज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर क्यूनो लाइन की बात करें हम तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C9H7। नाउ ड्रा द स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां। सॉरी, यहाँ पर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H9N होता है और यहाँ पे इसके बेस में H लगा रहेगा, सॉरी H नहीं रहेगा, H को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यही इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर स्ट्रक्चर का अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जस्ट लाइक बेंजीन के तरह होगा। अभी छह कार्बन हुआ, धकाधक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और बाकी के तीन जो हाइड्रोजन बचेगा, एक यहाँ, सॉरी, बाकी के तीन जो कार्बन बचेगा
नौ में से छह कार्बन को लिख चुके हैं, छह कार्बन को लिखे हैं, बाकी तीन बचाते हैं यहाँ और इसी के सामने, एक यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, और यहाँ पे एन लगा के फिर डबल कर देंगे और सिंगल कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बाकी सेवन एच है, तो यहाँ पर एच हम ज्वाइन कर देंगे इस तरीके का। आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि कार्बन 9 होते हैं। और हाइड्रोजन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है, एक नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको ये चीज बताएंगे कि आखिरकार इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी कि अगले वीडियो में आपको ये चीज बताने वाले हैं कि पायरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, थायफीन हो गया, फ्यूरोन हो गया, या यहाँ पर आप क्यूनोलिन को जो देख रहे हैं, आखिरकार ये कैसा होता है और इसका उपयोग क्या होता है, इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए मेरे चैनल पर, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे बहुत खुशी मिले।